यही था कि हमको विश्व परिवर्तन करना है और उसमें आप बच्चे जो हैं वो मेरे सहयोगी आत्मा हैं उसी लक्ष्य से हम लोगों को बाबा देखते थे विश्व परिवर्तक हैं डी टीज है, है यही जाके देवता बनने हैं उसी भी से बाबा देखते थे और हम लोगों को पालना देते थे नहीं हमको इस जन्म में जो अतीन सुख की बाबा के पालना की अनुभूति होती थी तो हम सत्य को सेकंड नंबर समझते थे और पहला जो प्राप्ति का समय वो इस जन्म को समझते संगम को इसलिए बाबा कुछ भी कहता था दो साल है या एक साल है और नहीं भी हो तो हमको तो अच्छा लगता था संगम और अभी हीरे तुल्य है वहाँ सोने जैसे हो जाएंगे अभी जो प्राप्ति है नॉलेज है वो तो वहाँ मर्ज हो जाएंगी इसीलिए हम लोगों को शुरू से ही ब्रह्मा बाबा की पालना ज्ञान और समय का महत्व था इसीलिए हमको कभी ये संचय नहीं उठा तो इतना समय क्यों हुआ है अभी तक भी हम समझते हैं संगम जितना बड़े उतना अच्छे। okay, नहीं बाबा हम लोगों को ये संकल्प ही नहीं था तो हमको कोई बाहर जाना है अब बाबा से ममा से इतना जिगरी प्यार था जो उससे अलग होना हमारे लिए समझो एक बहुत बड़ी बात थी और माँ बाप को छोड़ के आए उसकी फीलिंग नहीं थी इतनी उस समय लेकिन मम्मा पापा को छोड़ के हम बाहर जाएंगे कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे उस समय थोड़ा मम्मा बाबा को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल था हम पापा को यही कहते थे कि बाबा आप अगर हमको कहो कि सिर तली पर रख दो उसके लिए हम तैयार हैं लेकिन बाबा मामा को छोड़ के दूर जाए ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है लेकिन बाबा हम लोगों को बांध भरते थे यानी शक्ति भरते थे कि तुम नदी हो नदी का काम क्या होता है बहना अगर तुम नहीं जाएंगी बाहर तो तुम नदी नहीं कही जाएंगी तालाब कहा जाएंगा और तालाब में तो मच्छर होते हैं छहरा हुआ पानी होता है तो तुम तालाब बनने चाहती हो या नदी तो कौन कहेगा हम तालाब हम समझते थे हम नदी है नदी होने के कारण हम लोग आखिर बाबा मामा को छोड़ के प्यार तो था ना बाबा से तो बाबा की आज्ञा को नहीं मानना ये भी नहीं सहन होता था इसीलिए बाबा की आज्ञा मान करके हम निकले एक तो क्या था प्यार था और दूसरा निश्चय था बाबा ने कहा माना हमको करना ही है कुछ भी हो जाए उसमें सहन भी करना पड़े तो बाबा के प्यार के आगे वो सहन करना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि लखनऊ जाना है लेकिन हमको ट्रेन का भी ज्ञान नहीं था लेकिन बाबा ने कहा अंधों ने मुल्तान ढूंढा और तुम त्रिनेत्री बच्चे क्या लखनऊ नहीं ढूंढ सकते तो हम उसी उमंग उत्साह से गए बाबा ने कहा है और निश्चय है प्यार है होना ही है तो हम गए और पहले तो धर्मशाला वगैरह में जाके रहे क्यों हमको निमंत्रण तो था ही नहीं तो स्टेशन से उतरे कहाँ जाएँ ये भी पता नहीं था लेकिन पूछ के पहले धर्मशाला में रहे फिर थोड़ा माता एक बाहियों का कनेक्शन हुआ आ, उसके बाद फिर हमको कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर से ए एल क्वार्टर जो है उसका पुरशारथ करो लेकिन है असंभव तो हमने सोचा कि भगवान ने हमको भेजा है तो असंभव चीज़ तो होती नहीं और कहने वाले जो थे हम को राय देने वाले वो समझते थे ये कुमारियाँ क्या कर सकती हैं और मजाक करते थे हमारे ऊपर लेकिन हमको निश्चय था कि बाबा हमारे साथ है ये चीफ मिनिस्टर है उसके भगवान के आगे क्या बड़ी बात है तो हम उसी निश्चय से गए भी और चीफ मिनिस्टर से मिले और उसी समय सेक्रेटरी को कागज न दे करके वहीं उस चीफ मिनिस्टर से लिखाया कि तीन मास के लिए इन्हों को एम एल ए क्वार्टर में छुट्टी दीजिए। तो हमने देखा निश्चय और प्यार सहयोग देता है और चीफ मिनिस्टर भी जैसे भगवान की प्रेरणा के पीछे जैसे परवश था आगे बढ़ने चाहता था लेकिन बढ़ नहीं सकता था हम बाबूजी, बाबूजी कहते थे वो बच्चियाँ बच्चियाँ कहते थे लेकिन सभी देख रहे थे तो ये कौन सी छोटी कुमारियाँ हैं हमारी ड्रेस भी साड़ी वगैरह नहीं थी फ्रॉक और सिंधी ड्रेस थी तो हम सबसे न्यारे भी लग रहे थे लेकिन हमारे में योग की शक्ति निश्चय का वो बल था इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद ही कहता था तो ये असंभव बात संभव कैसे होगी लेकिन बाबा ने असंभव से संभव करा दिया